गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं कोरोना के बचाव के तरीके आपको बता दूं कि हमें किस तरह से कोरोना से बचना है। आपको पता है कि स्कूल कॉलेजेस सब बंद इस समय पड़े हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, और जब तक इसकी वैक्सीन ना आए हमें खुद से ही इसका बचाव करना है। इसके बचाव के तीन तरीके हैं। सबसे पहला है कि हम कहीं भी किसी से भी मिले तो उससे हम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। ठीक है, हमको दूरी बनाए रखना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, किसी से सामान लेना देना नहीं है। दूसरा, 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। अगर हम बाहर से कहीं से कुछ सामान लेके आ रहे हैं या किसी से मिलकर आ रहे हैं तो उसके बाद हमें अच्छी तरह से 20 सेकंड तक अपने हाथ धोने चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी जो इसमें जरूरत है, हमें मास्क पहनने की। हम घर में रहें या घर से बाहर निकलें, हमें बिना मास्क के नहीं जाना है। और मास्क पहनने का तरीका होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ मुंह में लटकाया मास्क को। हमें मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को कवर करना है, दोनों बंद करने हैं, ढक के रखने, जिससे कोई भी बाहरी कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। तो बच्चों, अगर आप इन तीन चीजों का ध्यान रखोगे तो हम कोरोना से लड़ सकेंगे और अपने को कोरोना से दूर रख पाएंगे और अपने परिवार और समाज को इसे सुरक्षित रखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अलंकार के भेद। इसमें अर्थालंकार के हम भेद पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था अर्थालंकार का एक भेद होता है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार का मतलब क्या होता है कि जिसकी किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए उसको उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए थे कि उपमा अलंकार में चार बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और फोर्थ है वाचक शब्द। इनके माध्यम से हम क्या है उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि भाई उपमेय, उपमान और साधारण धर्म वाचक शब्द क्या है? तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसके उदाहरण दिए थे, तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो दूसरी बार अब मैं आपको इसका उदाहरण बता दूं। जैसे एक उदाहरण है, अरविंद से ये इसका उदाहरण है, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहा है, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अब यहां पर किसकी तुलना किससे की जा रही है? अब किस उपमेय इसमें कौन सा होगा? यहां पर किसकी तुलना की जा रही है? शिशु वृंद की। तो उपमेय हो गया शिशु वृंद, और किससे? अरविंद से। अरविंद, ठीक है, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, कि शिशु वृंद अरविंद की तरह कैसे सो रहे। तो उपमेय हो गया शिशु वृंद, उपमान हो गया अरविंद, साधारण धर्म
कैसे सो रहे? कैसे सो रहे? और वाचक शब्द से। ठीक है, तो ये चार चीजें हमने ध्यान में रखनी है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो इन्हीं के माध्यम से हमें उपमा अलंकार का पता लग जाएगा। अब है एक उदाहरण है, फैली खेतों में दूर तलक, ठीक है, एक उदाहरण देखिए, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। अब यहां पर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इनको हमें निकालना है। यहां पर किसकी तुलना किससे की जा रही है? हरियाली की तुलना। उपमेय क्या हो गया? हरियाली। उपमान किससे की जा रही है? मखमल। साधारण धर्म कोमल और वाचक शब्द सी। ठीक, तो यहां पर आपका ये उपमा अलंकार हो गया। अब है आपका दूसरा अर्थालंकार का भेद है रूपक अलंकार। अब पहले हम इसकी परिभाषा समझ लें। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार वहां पर होता है जहां उपमेय और उपमान में बहुत अधिक समानता, बहुत अधिक समानता होने के कारण दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। देखिए, अब आपने रूपक और उपमा को थोड़ा बारीकी से समझना है। उपमा क्या था? कि जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु की समानता बताई जाती हो। ठीक है, अब यहां पर क्या है रूपक अलंकार में? जहां पर उपमेय, मैंने बताया था आपको कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, जहां पर उपमेय और उपमान में बहुत अधिक समानता बताई जाए, इतनी अधिक समानता बताई जाए कि दोनों एक ही लगे, व्यक्ति दोनों को एक सा ही समझ ले, तो उसको क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरी राई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? चरण रूपी, सॉरी, कमल रूपी चरण, चरण कमल बंदो हरी राई, कमल रूपी चरण। अब इसमें उपमेय क्या है? उपमेय है चरण और उपमान कमल। चरण रूपी कमल, तो हमें ये क्या, चरण और कमल एक जैसे लग गए, हमें इसमें कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, तो चरण रूपी कमल जो है ये चरण उपमेय हो गया और उपमान क्या हो गया? कमल हो गया। दूसरा है
आए महंत बसंत। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, महंत रूपी बसंत। अब बसंत क्या हुआ, उपमेय और महंत उपमान। इन दोनों में बहुत समानता दिखाई दे रही है कि देखो महंत रूपी बसंत आ गए हैं, यहां पर एक दूसरे में बहुत अधिक समानता दिखाई दे रही है। तो जहां पर यह समानता हमको अधिक दिखाई दे वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, अब देखिए बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार में यहां पर भी उपमेय पर उपमान की संभावना बताई जाती है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में सरल तरीके से बताऊंगी कि उत्प्रेक्षा की पहचान किस तरह से हम कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो मनु, मानो मनहु, जानो जनहु, ज्यों जनु, ठीक है, ज्यों जनु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब आप इसमें देखिए, ठीक है, अब यहां पर देखिए उत्प्रेक्षा की बहुत आसानी से हम पहचान कर सकते हैं। उसका तरीका यही है कि जिन कविताओं के बीच में मनहु जानो जनहु ज्यो जनु इन शब्दों का प्रयोग मिले वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे शरद इंदिरा के मंदिर में, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही, अब यहां पर देखिए, अब अगर हम कहें कि यहां पर कौन सा अलंकार है तो यहां पर क्या शब्द आया है, मानो, तो मानो का मतलब क्या हुआ कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा इसका उदाहरण देखिए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, अब यहां पर भी क्या आ रहा है, मानो आ रहा है, तो यहां पर भी कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा उदाहरण देखिए, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, ठीक, अब यहां पर क्या आया है, ज्यों। तो इस तरह से हमने उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करनी है कि जहां पर मनु मनहु मानो जनहु जनो जानु
ज्यों आदि का प्रयोग होता है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब तीसरा इसका भेद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला अतिशय, पहला शब्द है अतिशय और उक्ति अर्थात ऐसी उक्ति उक्ति का मतलब होता है बात, ऐसी उक्ति जो अतिशयता मतलब बड़ा चढ़ाकर कही हो, अतिशयता के साथ कही गई हो, या ऐसी बात जो बड़ा चढ़ाकर कही गई हो। ठीक है, अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी बात को अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना, अतिशय बड़ा चढ़ाकर और उक्ति बात को कहना, तो वो अतिशय मतलब जिसका हमें विश्वास ना हो ऐसी बात कह देना। अब जैसे इसमें ये देखिए एक उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर गए निशाचर भाग। अब इसको आप थोड़ा सा समझोगे, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, यहां पर कहा जा रहा कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी कि लंका सगरी जल गई। जब आग भी नहीं जली थी तो लंका कैसे जल गई, तो यहां पे कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी तब तक पूरी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो इसको क्या है, हमने बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर कहा है, ठीक है, कि जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई। तो इस तरह से जो बातें हम बड़ा चढ़ाकर कहते हैं उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। आप भी कई बार अपने दोस्तों के बीच में बैठते हो तो किसी बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कहते हो कि दूसरा विश्वास करने में हिचकिचाता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, लेकिन वहां पर कौन सा अलंकार, वो बहुत अच्छी रोचक बातें लगती हैं, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इसका एक और उदाहरण देखिए, आगे नदी पड़ी अपार, चेतक था इस पार, आगे नदी पड़ी अपार चेतक कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पर तब तक चेतक था उस पार। अब यहां पर देखिए राणा सांगा अपने घोड़े चेतक पर जा रहे थे लेकिन आगे एक बहुत बड़ी नदी पड़ी, तो राणा सोचने लगे कि यह मेरा चेतक नदी को पार कैसे करेगा,
लेकिन वे सोच ही रहे थे। राणा ने सोचा इस बार, तब तक घोड़ा था या तब तक चेतक था उस पार, मतलब राणा सोचते रह गए और चेतक नदी के पार चला गया। तो यहाँ पर इस बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा है अलंकार, कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अब है यहाँ पर फिफ्थ है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का मतलब क्या होता है? मानवीकरण का अर्थ है किसी को मानव बना देना। ठीक है, हम किसी, अगर हम प्रकृति में पेड़ पौधों का वर्णन करें और उसको, उसकी तुलना मानव से करें, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब इसके उदाहरण आप देखिए, देखिए इसका पहला उदाहरण है बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब यहां पर आपको इसका अर्थ समझना पड़ेगा कि यहां पर उषा को, सुबह को, यहां उषा को नायिका का रूप दिया है। ठीक है, यहां पर उषा जो है सुबह को नायिका का रूप दिया गया है, जो तारा रूपी, जो तारा रूपी घटों को, घटों घड़ों को अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घड़ों को अंबर, अंबर कहते हैं आसमान, रूपी पनघट तालाब में डूबो रही है। ठीक है, तारा घट उषा नागरी अंबर पनघट में डूबो रही। उषा, उषा का है सुबह को, सुबह को नायिका का रूप दिया है। अब यहां पर उसे मनुष्य का रूप दिया है, जो तारा रूपी घड़ों को आकाश रूपी तालाब में डूबो रही है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार। अब इसका एक और उदाहरण देखेंगे हम, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की पहेली, ज्वालामुखी स्फोट की भीषण, ज्वालामुखी फोर्ट की भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। ठीक, ओ रेखा की चिंता, ओ चिंता की रेखा। अब चिंता की रेखाएं कहां दिखाई देती है? मनुष्य के मस्तिष्क में। ठीक है, चिंता की रेखाएं कहां दिखाई देती है? मनुष्य की मस्तिष्क में, जिसे, जो मनुष्य को धीरे धीरे खा जाती हैं। चिंता की पहली रेखा को कवि मानवीकरण के द्वारा विश्व रूपी सर्पिणी के रूप में चित्रित कर रहा है। ठीक है, तो वह इस तरह से उसको चित्रित कर रहा है जैसे वह एक सर्पिणी हो और जिसने ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में सारी पृथ्वी को
कपा दिया हो या उसे खा दिया हो। तो बच्चों इस तरह से ये 5 अलंकार हैं जो हमने आपको ये इसमें अच्छी तरह से समझाए, और इसके बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके उदाहरण लिखने हैं और इनको ध्यान से समझना है। आप जब इसको ध्यान से समझोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसकी कुछ कविताएं ढूंढोगे, तो आपको पता लगेगा कि ये अलंकार हम किस तरह से पहचान सकते हैं। इस तरह से इनकी पहचान बहुत आसानी से हो जाएगी। तो आपको ये जो भी काम है अपनी फेयर नोटबुक में करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे, और ये जो काम है आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।